सागर खंडे सारी जनता के दुलारे हो गए, सागर खंडे सारी जनता के दुलारे हो गए, अब हमारे हाथ में जुगनू चांद और तारे हो गए, अब हमारे हाथ में जुगनू चांद और तारे हो गए। जीत की कश्ती समंदर के पार हो जाएगी, जीत की कश्ती समंदर के पार हो जाएगी, जितने नाखुदा थे कश्ती के अब वो सब हमारे हो गए, जितने नाखुदा थे। यात्रा ये वार्ड नंबर 5 से मुकम्मल हुई है और काफी लोगों ने हमारे साथ रहा और कई लोगों का हमको जो है योगदान मिला है। और सभी जानते हैं कि इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीतना निहायत ही जरूरी है। देश के हालात देखिए और अपने घरों से एक एक फर्द को निकालकर उस दिन वोटिंग के लिए सुबह 7 बजे अपने अपने बूथों पर भेज दीजिए, वरना दोपहर में धूप का बहाना करके घर में बैठेंगे तो आपको नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, हम सबको नुकसान होगा। कांग्रेस आना निहायत ही जरूरी है। 10 साल तक हमने बहुत इंतजार किया है, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुए हैं, आइए आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लिहाजा आप लोगों से याद अपन गुजारिश है कि आप अपना कीमती वोट 7 तारीख के दिन अपने अपने करीबी बूथ पर, अपने जो भी बूथ हैं बूथ पर जाकर 3 नंबर के बटन पर हाथ दबाइए, जात पर ना पात पर बटन दबाइए, हाथ पर। तो मैं इस बारे में जो है सागर खंडे के लिए शेर अर्ज कर रहा हूँ। वो समझता था कि तूफानों से डर जाऊंगा, वो समझता था कि तूफानों से डर जाऊंगा, मैं वो भंवर हूँ जो समंदर को कुचल डालूंगा, मैं वो भंवर हूँ जो समंदर को कुचल डालूंगा, लाख दीवारें खड़े कर ले दुश्मन मेरी राहों में, लाख दीवारें दुश्मन खड़े कर ले मेरी राहों में, जीत का रास्ता बनाऊंगा और फिर निकल जाऊंगा, जीत का रास्ता बनाऊंगा और फिर निकल जाऊंगा। और मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि 7 तारीख के दिन सुबह सुबह अव्वलीन वक्तों में बगैर कुछ खाए पिए के, ये समझिए कि आप ये 10 साल का खाना जो है रोक कर हमको खाना है दोपहर के बाद, और हमको जो है तब्दीली लाना है, ये सोचकर आप बूथ पर जाइए। एक हमारे लिए, एक आप सबके लिए एक आखिरी शेर। सागर खंडे सारी जनता के दुलारे हो गए, सागर खंडे सारी जनता के दुलारे हो गए, अब हमारे हाथ में जुगनू चांद और तारे हो गए, अब हमारे हाथ में जुगनू चांद और तारे हो गए। जीत की कश्ती समंदर के पार हो जाएगी, जीत की कश्ती समंदर के पार हो जाएगी, जितने नाखुदा थे कश्ती के अब वो सब हमारे हो गए, जितने नाखुदा थे कश्ती के वो सब हमारे हो गए। फिर आपसे गुजारिश है आप अपना कीमती वोट सागर खंडे के हक में इस्तेमाल करके उनको भारी बहुमत से जिताइए। शुक्रिया।